दोस्तों शेयर मार्केट में जो आईपीओ होता है, अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं, क्या आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, और अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो कैसे आईपीओ खरीदते हैं, और नए नए कौन से आईपीओ लॉन्च होने वाले हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका शेयर मार्केट में अकाउंट नहीं है और आप अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो क्या होता है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब होता है जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर पहली बार बेचने जाती है, तो वो होता है आईपीओ। आईपीओ रिलीज करने के बाद प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती बल्कि पब्लिक बन जाती है, क्योंकि इस पर पब्लिक का भी पैसा लग जाता है। अब कंपनी आईपीओ क्यों निकालती है और अपने शेयर क्यों बेचती है, ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है 100 करोड़ की, यानी कि उसकी टोटल वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए है। अब क्या करना चाहता हूँ, मैं उस कंपनी को इंटरनेशनल करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे 25 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब 25 करोड़ रुपए के लिए या तो मैं बैंक से लोन लूँ, अगर लोन लूंगा तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पैसा भी देना पड़ेगा, तो उसमें मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा। तो इससे अच्छा है मैं अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा लूं, उसके बाद अपनी कंपनी का आईपीओ रिलीज करूं, जिसके बाद लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे और वो पैसा डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा, जिससे मैं बिजनेस कर सकता हूं। लेकिन इसमें तो मेरी कंपनी का फायदा है, क्योंकि आप लोग पैसे देंगे डायरेक्टली मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन आप लोगों का क्या फायदा है अगर आप आईपीओ के शेयर खरीदते हैं तो? तो सबसे पहला फायदा होता है कि जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है और अपना आईपीओ रिलीज करती है तो जनरली सबसे कम प्राइस में आपको उसी वक्त शेयर मिलता है, और कुछ टाइम बाद ही वो प्राइस 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है, रुपीस यानी कि दुगने से भी ज्यादा। अब दूसरा फायदा होता है कि प्राइस ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि उस शेयर की जो प्राइस होगी वो आपके ऑर्डर डॉक्यूमेंट में लिखी हुई होगी, तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं दोनों के पास सेम ही इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी उस शेयर से रिलेटेड। तीसरा फायदा होता है कि जब भी कंपनी आईपीओ रिलीज करती है तब या तो कंपनी खुद को एक्सपैंड करने की सोच रही होती है या फिर अपना लोन पे करने की सोच रही होती है, तो एक तरीके से कंपनी आगे बढ़ने जा रही होती है, तो उसकी प्राइस बढ़ने के और उस कंपनी के ग्रो होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इन शॉर्ट रिस्क कम होता है कि आपका पैसा डूबेगा और बहुत चांसेस होते हैं कि आपका पैसा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आईपीओ खरीदने की ये फायदे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि भाई मैंने बहुत तारीफ कर दी कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा तिगुना हो जाएगा, लेकिन आंख बंद करके किसी भी कंपनी का आईपीओ मत खरीद लेना, अपनी खुद भी रिसर्च करना जरूरी है, क्योंकि कई बार बाद में भी प्राइस गिर जाती है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ सच्चाई बताने का काम करता हूँ, डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए। तो अब अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आईपीओ खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले कुछ बातें जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता है, और अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको अलॉटमेंट होगी। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के 1 करोड़ शेयर अवेलेबल है और 2 करोड़ शेयर की एप्लीकेशन आ जाए तो सभी को तो नहीं मिलेगा ना, तो अप्लाई करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। नाउ दूसरा पॉइंट है, आईपीओ में आपका जितना मन करे 2, 4, 6, 8 ऐसे शेयर्स नहीं खरीदे जाते, उसका एक लॉट साइज होता है। जैसे कि यूटीआई एएमसी का आईपीओ आज रिलीज हुआ है और उसका लॉट साइज है 27, यानी कि अगर आप उसके शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपको कम से कम 27 शेयर खरीदने होंगे, और अगर उससे ज्यादा खरीदना चाहते हैं तो आपको 27 के मल्टीपल्स में खरीदने होंगे, यानी कि 27 से ज्यादा खरीदने हैं तो फिर 54 खरीदने पड़ेंगे। नाउ तीसरा पॉइंट है, आप मैक्सिमम कितने शेयर खरीद सकते हैं उसकी भी एक लिमिट होती है, आप चाहे भी तो उससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। नाउ फोर्थ पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि आपने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया है आपको उतने ही शेयर मिल जाएंगे, ये अवेलेबिलिटी और कितनी एप्लीकेशन आई है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों जानते हैं कि आप ज़ीरोधा से आईपीओ कैसे खरीद सकते हैं। अगर आप ज़ीरोधा से शेयर खरीदना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल हम आईपीओ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आईपीओ खरीदने के लिए आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल में जाना होगा। प्रोफाइल में जाने के बाद कंसोल में आपको आईपीओ लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इस आईपीओ पे क्लिक कर देना है। ये आपको कंसोल नजर आ रहा है और यहाँ पर है आईपीओ, तो आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप आईपीओ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे टॉप में लिखा हुआ है कि आप सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको आईपीओ विंडो भी नजर आ रही है, जिसमें आपको नजर आएंगे कि कौन कौन से आईपीओ अभी अवेलेबल हैं। तो जैसे तीन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यूटीआई एएमसी का सबसे टॉप में आपको नजर आ रहा है, तो इसकी मिनिमम क्वांटिटी 27 है, तो आपको कम से कम 27 शेयर तो लेने ही पड़ेंगे। प्राइस 552 से 554 के बीच होगी और इसके लिए आप 1 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे आपको लिखिता भी नजर आ रहा है, उसकी भी मिनिमम क्वांटिटी 125 है, प्राइस 117 से 120 के बीच में होगी और इसके लिए भी आप 1 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके नीचे आपको रूट मोबाइल, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, उसका भी आईपीओ नजर आ रहा है, लेकिन ये क्लोज हो चुका है। तो अभी मैं आपको यूटीआई एएमसी का आईपीओ खरीद कर दिखाता हूँ। तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको बिड पर क्लिक करना होगा। बिड पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ऊपर पे अपनी यूपीआई आईडी डालनी होगी, जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। तो मैं अपनी यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। तो मैंने अपनी यूपीआई आईडी डाल दी है। इसके आगे जो भी एक्सटेंशन होगा उसे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इन्वेस्टर टाइप में मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल का ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर इसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस होती और आपके पास पहले से रिलायंस के शेयर होते, तब आपको जो दूसरा ऑप्शन आता वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता। तो इन्वेस्टर टाइप सेलेक्ट करने के बाद आता है क्वांटिटी। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें आपको मिनिमम 27 क्वांटिटी तो लेनी होगी, यानी कि एक लॉट। अगर आप इससे ज्यादा लेना चाहते हैं तो फिर दो लॉट लेने होंगे, यानी कि 54 आपको लेने पड़ेंगे। तो या तो 27 लेने होंगे या 54 लेने होंगे, और 27 के मल्टीपल में ही लेने होंगे। अब इसकी जो प्राइस थी वो हमने देखा था कि 552 से 554 के बीच में हो सकती है। तो अगर आप कोई एग्जैक्ट प्राइस लिखते हैं और उस प्राइस में नहीं मिलता है, तो फिर वो शेयर आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जनरली लोग कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जिस प्राइस में मिलेगा मैं उस प्राइस में खरीदने के लिए तैयार हूँ। बाकी इसमें और भी प्राइस के ऑप्शन इसलिए दिए गए हैं, अगर आप कोई एग्जैक्ट प्राइस डालते तो फिर दो तीन प्राइस आप सेट कर सकते थे। तो आप इसलिए इन बाकी ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, वरना कट ऑफ प्राइस ही बेस्ट है, क्योंकि जो प्राइस होगा उसमें हम खरीद लेंगे। इसके बाद आपको अंडरटेकिंग पे टिक करना होता है, तो वो मैंने कर दिया है। अब नीचे आपको अमाउंट पेएबल नजर आ रहा है, 14,958 रुपए आपको पे करने होंगे। तो सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो आपके यूपीआई में रिक्वेस्ट चली जाती है और वहां से आपको पेमेंट करनी होती है। और जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपकी जो बिड होती है वो प्लेस हो जाती है। अगर आपको मिलना होगा तो मिल जाएगा, वरना कैंसिल हो जाएगा और पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अगर आप कंफर्म चाहते हैं कि आपको आईपीओ मिले जाए, तो फिर अपने अकाउंट से तो अप्लाई करो ही, साथ ही साथ आपका कोई दोस्त है, भाई है, उनके थ्रू भी अप्लाई कर दो, ताकि ज्यादा चांसेस हो जाएं आपको आईपीओ मिलने के। अगर आप शेयर मार्केट में अकाउंट खोलना चाहते हैं, शेयर खरीदना सीखना चाहते हैं, या फिर शेयर मार्केट के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो मैंने दो वीडियो और एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके माइंड में शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा।